आपका ध्यान सांसों पे टिका होना चाहिए, इसलिए ध्यान युक्त करेंगे। तो आइए अगला ध्यान, कपालभाति तो समझ रहे सभी ना? हाँ, जब रोकना है उस समय साइन करिएगा। अभी कपालभाति 5 मिनट का करते हैं, ध्यान मुद्रा बना करके। ये टाइट मत रखिए बाबू, ऐसे ये मोड़ देना है। अभी हथेली आसमान की तरफ हो, तीनों उंगली को सीधा रखते हैं ऐसे। हाँ, अभ्यास ना, ये आपका जो मुद्रा है वह भी एकदम सटीक हो, नहीं तो फोटो खींच रहे हैं विद्यालय का, आपसे भी ज्ञानी मानव है और फोटो कहीं जाता है लगता है ना, जो करा अभ्यास उस तरह का अभ्यास नहीं हो रहा है तो अच्छा नहीं लगता है। तो बैठ जाइए, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, और यह 5 मिनट कपालभाति करेंगे। और बार बार आप अनुभव करिए, महसूस करिए कि मैं कितना शांत हो पा रहा हूँ। मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो कपालभाति करते समय बार बार यह ध्यान करते हैं, हे प्रभु मेरा घुटने का दर्द बाहर निकल रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर बाहर निकल रहा है, मेरा शुगर बाहर निकल रहा है, मैं यदि ज्यादा क्रोधी हूँ, तनाव में रहने वाला हूँ, तो वह सब धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, ऐसा भाव रख करके कपालभाति का स्ट्रोक लगाते हैं। तो आइए पूरी तन्मयता सीधा बैठ करके, और जो बीच बीच में मैं कुछ कहूँ उसको आप श्रवण भी करते रहिए, और ध्यान आपका टूटे नहीं। ध्यान मैंने लगाया था भगवान सूर्य की तरफ, तो फिर अनुभव करिए कि मैं भगवान सूर्य की लालिमा को देख रहा हूँ। मन ही मन एक प्राणायाम मंत्र होता है, ओम हु, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ऐसे करके बार बार। नहीं तो केवल ओम ओम का जब झटका दे तो मन ही मन बोलिए ओम। मैं एक बार बोल के दिखाता हूँ, आपको बोलना नहीं है, लेकिन ओम 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 ओम, तो मन ही मन ओम ओम पर ध्यान लगा करके। और ये मन चक्र पे आप ध्यान टिकाइएगा ललाट के मध्य में, तो मैं वहां जो दिव्य प्रकाश है ना, वो प्रकाश दिखाना चाहता हूँ। जो ज्ञान भगवान बुद्ध को मिला यही बैठ करके कपालभाति अनुलोम विलोम और ध्यान करने से, भस्त्रिका करने से, एक दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई दिव्य प्रकाश का, और सारा द्वंद्व मिट गया, सारा भ्रम मिट गया जीवन।